हेलो नमस्कार दोस्तों, 17 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, इसी के साथ मेन सा क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो आज का क्वेश्चन है वो मेनली GS3 से रिलेटेड है। क्वेश्चन है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में है। तो क्वेश्चन मेनली ये है कि भारत की सीमाओं के भीतर जो उच्च सुरक्षा वाले सैन्य परिसर हैं वहाँ पे घुसपैठ अभी लगातार बढ़ रही है। मतलब 2 बार बड़े सफल आतंकवादियों ने अंजाम है जो रीजन से उनको अंजाम दिया है। तो इस बात पर आपको चर्चा करनी है कि भारत में इस तरह के घुसपैठ हो रही है उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। इसी के साथ ही आपको भविष्य में ऐसे हमलों से रोकने के लिए सुझाव हैं वो देने हैं। तो क्वेश्चन है वो आपको 250 वर्ड में अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन के लिंक आप अटेम्प्ट करने के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ पे आप जाइए और उसको जो भी आपका आंसर है उसका फोटो वगैरह क्लिक करके वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ताकि बाद में कोई भी उसको रिव्यू वगैरह कर सकता है। तो इस तरीके का फॉर्मेट है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपकी हेल्प है वहाँ से की जाएगी। बाकी रही बात कि कल अगर पॉसिबल हो पाया तो कल एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आप किस तरीके से वहाँ पे आंसर है वो अपलोड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी समस्या का समाधान है वो किया जाएगा। क्योंकि आजकल तबीयत बड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए हमारा जो अभी रिवीजन है वो भी थोड़ा डिले चल रहा है। बट एनी वे अपन इस महीने के एंड तक, अक्टूबर तक का करंट अफेयर है वो एट एनी कॉस्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट मंथ तक हमारा जो पीछे का सारा है वो हम रिवाइज कर लेंगे। तो करंट अफेयर हम हमारा जो है रिविजन है वो कम्प्लीट कर देंगे, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है कावेरी विवाद के बारे में। तो कावेरी नदी का जो डिस्प्यूट था उससे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है वो आए, उसी को लेके है आर्टिकल आया। तो देखो सबसे पहले हम थोड़ी कावेरी रिवर के बारे में उसका जो एरिया वगैरह वो जान लेते हैं, ताकि हमें आज इसको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो ये है मेनली कावेरी रिवर है, देखो यहाँ से कर्नाटका से निकलती है, यहाँ से ऐसे बहती हुई फिर यहाँ पे तमिलनाडु में एंट्री करती है। तो मैंने इसका कुछ हिस्सा देख सकते हो कि ये वाला हिस्सा है ये तो है मेनली कर्नाटका में, और यहाँ पे फिर इसका मैक्सिमम एरिया है वो है तमिलनाडु में बहती है। बट इसी के साथ आपको पता कि तमिलनाडु में इस साइड पे है यहाँ पे पौंडीचेरी है, तो ये छोटे छोटे एरिया है पौंडीचेरी के हैं। और इसी के साथ इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है कावेरी रिवर के जो इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी हैं वो एक्चुअली केरला से बहते हैं, 2000 टूटी फूटी ट्रिब्यूटरी, तो इसलिए इसका कुछ हिस्सा वो केरला में भी काउंट होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कावेरी रिवर है वो मेनली तो कर्नाटक और तमिलनाडु में है, बट इसका कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट है वो पौंडीचेरी और केरल के अंदर भी है। तो ये था बेसिक। तो ये डाटा वगैरह आपको देखो नहीं देखने, पहले का डाटा वगैरह है वो हमारे को काम का नहीं है। बट अभी इस चीज़ को लेकर विवाद था, तो हम विवाद के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड है वो देखेंगे अच्छे से, फिर अभी इसका क्या सॉल्यूशन है वो हम एक एक करके उसको ढंग से डिस्कस करेंगे। तो आप मैपिंग वगैरह वो साथ साथ करते रहिएगा। अब आती है कावेरी रिवर की, कर्नाटका से ओरिजिन होती है और तमिलनाडु से होते हुए ब्यूह बंगाल में जाके गिरती है। अब देखो इसमें केरल और पौंडीचेरी में भी इसका कुछ बेसिन का एरिया आता है, बट आर्टिकल के अकॉर्डिंग शुरुआत होती है यहाँ से कि जो असली विवाद है वो होता है 1892 से, मतलब अंग्रेजों के टाइम से समस्या है वो बनी हुई है। बट उस टाइम पे क्या कि अंग्रेजों की पार्टी थी, अंग्रेजों की सरकार थी, तो इसलिए स्टेट थे इंडिया के वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, चुपचाप बैठे थे सभी स्टेट। बट बाद में विवाद बढ़ता गया है। उसके बाद हुआ ये कि 1924 के अंदर एक समझौता भी हुआ, 1924 के अंदर अंग्रेजों ने समझौता कराया। उस टाइम पे मद्रास स्टेट था और इधर मैसूर था, कर्नाटक की जगह मैसूर स्टेट था और मद्रास था वो था तमिलनाडु की जगह। तो उन दोनों के अंदर विवाद हो गया था पानी को लेके, और 1924 में इसका समझौता किया गया। और 1924 के समझौते के तहत ये प्रावधान थे, अंग्रेजों ने करवाया था समझौता, कि भाई 70% जो पानी है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी को मिलेगा, और 23% पानी है वो कर्नाटक को मिलेगा, और जो 2% पानी है वो मिलेगा केरल को। तो ये समझौता किया गया था। बट हुआ क्या, समस्या बाद में अंग्रेजों के टाइम पे तो मान लिया गया जैसे तैसे, बट जो ही आज़ादी मिली मुद्दा और ज़्यादा गर्मा गया। और आपको पता है कि इंडिया में वोट बैंक के चक्कर में जो ऐसे मुद्दे होते हैं काफ़ी सेंसिटिव, इनको ज़्यादा और ज़्यादा हवा मिल जाती है। तो हुआ वही कि राजनीतिक इनको हवा लग गई और इसकी वजह से मुद्दा और ज़्यादा गर्मा गया। अब उसके बाद 1954 की बात, 1974 की बात आती है। 1974 में समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि जो 1924 का समझौता करवाया था अंग्रेजों ने, इसको 50 साल कंप्लीट हो गई थी। तो सभी जो कर्नाटका और जो तमिलनाडु जो स्टेट है, सॉरी तमिलनाडु और कर्नाटका ने आपस में विवाद करना शुरू कर दिया कि भाई 50 साल हो गए, अब तो पानी की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए जो पानी का बंटवारा वो चेंजेस किया जाए। तो इस चीज को लेकर दोनों स्टेटों में वापस टकराव हो गया। तो उस टाइम के अंदर हुआ क्या, उस टाइम के अंदर कर्नाटका ने ये कहा कि भाई 43% पानी है वो तो कर्नाटका यूज कर लेगा, 47% और 47% पानी है वो तमिलनाडु यूज़ करेगा, मतलब 47-47% दोनों कर लेंगे, बचा 6%, तो 6% पानी है वो केरला यूज कर लेगा थोड़ा, और थोड़ा पौंडीचेरी यूज कर लेगा। इस तरीके से उन्होंने बात कही, बट आपस में सहमति नहीं बनी इस बात को लेके, क्योंकि तमिलनाडु बोला नहीं भाई मेरे को तो पानी ज़्यादा चाहिए, अदरवाइज मैं तो लड़ाई करूँ, तो वाला सीन गए हो। अब बात आई उसके बाद, तो हुआ क्या कि तमिलनाडु साहब हैं
वो गए एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सीन देखो ऐसा होता है कि रीजन ये हुआ था कि 1924 से लेके वो लगातार पानी मिल रहा था तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु के कुछ एक ऐसे जिले थे जो कि भाई पूरी तरीके से पानी के लिए किस पे निर्भर थे, कावेरी रिवर पे। तो अब वो राज्य वो जिले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि भाई हम पानी कम क्यों लें, वो तो अपनी मांग रखने लगे कि भाई हमें तो पानी पहले से ज़्यादा मिल रहा था, हम पहले से कम पानी कैसे लेंगे, हमें तो ज़्यादा ही पानी चाहिए। तो उसी को लेकर केस गया 1986 में सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहले तो आप बातचीत के थ्रू मामला सेटलमेंट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पानी के मैटर पे डायरेक्टली हस्तक्षेप वो नहीं कर सकते। और उसके बाद में हुआ है कि नई बातचीत समाधान नहीं बनी, तो उसके बाद उन्होंने इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया। तो उसका डिसीजन है वो दोनों को आपस में अच्छा नहीं आया, क्योंकि उसके डिसीजन आने में थोड़ा टाइम भी लगा और इसलिए विवाद और ज़्यादा बढ़ता गया। और उसके बाद 1998 में क्या हुआ, कावेरी नदी पर एक अथॉरिटी बनाई गई, कावेरी रिवर अथॉरिटी। तो अब इस अथॉरिटी के मेनली चेयरमैन थे वो थे प्रधानमंत्री, और बाकी जो रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट थे, रिलेटेड स्टेट थे, मेनली 4 स्टेट थे, इनके सारे जो CM वगैरह वो थे। इसके बाद में मामला आता है 2007 में, कि 2007 में क्या है कि ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन दिया, क्योंकि देखो ट्रिब्यूनल का डिसीजन आने में टाइम लगा था। तो 2007 में डिसीजन आया, तो उसके तहत ये कहा गया कि भाई पानी का जो विवाद है वो आपस में इस तरीके से समझौता किया जाए, और पानी की जो बात की गई और उसमें एक मुद्दा है वो है डिस्ट्रेस की। उसमें कहा गया कि भाई पानी का जो बंटवारा है वो कुछ डाटा दिया गया था उसका आधार पर बंटवारा करने की बात की गई। तो वो सारा दोनों स्टेटों ने राजी माना नहीं, मतलब तमिलनाडु और मैली कर्नाटक ने दोनों नहीं माना। और उसमें एक मुद्दा है कि अगर जिस साल बारिश कम होती है, मतलब डिस्ट्रेस जो ईयर होता है जहाँ पे पानी कम होगा जिस साल, उस साल जो पानी का रेशियो वो उसके अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। जैसे कि अगर हर साल 100 लीटर पानी नदी में आ रहा है और अगर दोनों को 50-50 पानी यूज करना है, तो अगर अगर पानी कम 80% ही पानी आया, 80 लीटर पानी आया, तो दोनों को 40-40 ही उस रेशियो में कम यूज करना पड़ेगा। बट इस बात का विवाद होने लग गया कि भाई डिस्ट्रेस ईयर होगा कौन सा, इसका कौन डिसाइड करेगा कि ये डिस्ट्रेस है या नहीं है। तो इस चीज को लेकर वापस लड़ाई, और इसी चीज़ को लेकर मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई तमिलनाडु का जो शेयर है वो थोड़ा घटा दिया, मतलब कम कर दिया है, और कर्नाटक का थोड़ा हिस्सा है वो बढ़ा दिया है। और देखो अब आरआईटी ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, दोनों स्टेट्स को इसको मान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बैलेंस अप्रोच है वो दिए। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड है वो बना दिया जाए ताकि पानी को टाइम टाइम मॉनिटर किया जाए। और इसके साथ कहा कि भाई 15 साल तक जो भी डिस्प्यूट है, मतलब 15 साल तक इस पानी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुना है उसके तहत ही पानी का बंटवारा है वो रहेगा। तो देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि पहले काफ़ी कुछ संदिग्धताएं थी, मतलब काफ़ी कुछ एम्बिग्यूटीज थी, तो उनको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि भैया कोई डाउट नहीं है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो नदियों पर किसी एक स्टेट या किसी एक राज्य का राज नहीं है, नदियां सभी के लिए हैं, पानी की समस्या वो पूरे सभी स्टेटों में बढ़ती जा रही है, तो ऐसा नहीं कि एक स्टेट में समस्या ज़्यादा गंभीर है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाटर कंजर्वेशन पर हमें फोकस करना होगा, और हमें खेती वगैरह पर भी इस पानी कम यूज़ करना होगा, ऐसा नहीं कि हम खेती वगैरह भी पानी ज़्यादा वेस्ट करें। तो ये कुछ था सारा केस था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल तक। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली साइंस से रिलेटेड है, तो इस आर्टिकल में मेनली जो कुछ पॉइंट है वो एसए के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उन एक दो पॉइंट्स को देख लेते हैं। आप इस आर्टिकल एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि इस आर्टिकल में नेहरू के 2-3 वर्ड्स हैं डिस्कवरी ऑफ साइंस, तो वो पॉइंट्स आपके काम आ जाएंगे बुक्स वगैरह की। तो देखो सबसे पहले इस आर्टिकल में मेनली फोकस ये कहा गया है कि भाई साइंस है ना वो फैक्ट्स पे काम करती है, मतलब साइंस में फैक्ट्स चलते हैं, साइंस में ट्रेडिशन नहीं चलते कि भाई पहले से ऐसा होता आ रहा है तो आगे भी ऐसा होगा। साइंस कहती है भैया फैक्ट दो तभी हम आपकी चीज़ पर बिलीव, मतलब सबूत है तो ही काम होगा, अदरवाइज साइंस कहते नहीं ये बात वैलिड ही नहीं है। और जबकि होता क्या है कि इंडिया में सबूत की जगह क्या होता है ट्रेडिशन पे फॉलो किया जाता है, नहीं देखो भाई पहले से राज मेरा था, पहले से पानी मुझे मिल रहा था तो मुझे मिला। जैसे वो वाली बात है कि इंडिया में ट्रेडिशनल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि साइंस है वो ट्रेडिशनल चीज़ों पर बिलीव कम करती, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, साइंस मांगती है इफेक्ट। इसी के बाद में आर्टिकल ये कह रहा है कि देखो हमें हर चीज़ है वो लॉजिकली सोचनी चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि तर्क संगत जब भी कोई, जैसे कि हम कोई भी एक आंसर है अगर उसको लिखते हैं तो उसके लिए हम अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं, लॉजिकल देते हैं कि हाँ भाई इस लॉजिक की वजह से ऐसा होता है, तो हमें क्या है उस चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होती है और अगला इंसान भी उसको समझ जाता है। अब हम किसी को ऐसे कह दें ट्रेडिशनली कि नहीं भाई ऐसा ही होता है तो अगला क्यों मानेगा। इसी के साथ में बात ये आती है कि आज है इंडिया वो आज फिर भी ट्रेडिशनल चीज़ों पे फोकस करता है, फिर यहाँ पे एग्जांपल आता है बरमूडा ट्रायंगल का, चाहे आप किसी भी एग्जाम चीज़ का एग्जांपल ले लो,
से बिल्ली के रास्ते काटा, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। बर्मुडा ट्रायंगल का इश्यू ऐसा है कि वहाँ पे मेनली कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई वहाँ पे शिप वगैरह जाते हैं तो वो मिस्ट्री गायब हो जाते हैं, वहाँ पे डार्क एनर्जी है वगैरह वगैरह है। जबकि साइंस के द्वारा अभी तक वहाँ पे कोई ऐसी रिसर्च के द्वारा चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि ऐसा कुछ वहाँ पे है। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या कि एक तरह से मिस्ट्री बनी हुई है लोगों के बीच में। और हुआ क्या है कि वहाँ पे एक तरह से जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, बाकी कुछ इतना इम्पैक्ट है वो नहीं हुआ ज़्यादा। तो मैं साइंस के द्वारा आर्टिकली कह रहा है कि देखो साइंस है वो फैक्चुअल चीज़ों पर इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल चीज़ों पे ही बिलीव करती है। चाहे आप बिल्ली का रास्ता काटने का एग्जाम्पल ले लो, अभी बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली को थोड़ी आपको रोक सकते, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि हाँ भाई ऐसे बिल्ली रास्ता काटती तो ये दिक्कत होती है इसलिए काम अशुभ होता है वगैरह। इसके बाद में बात आती है सोलर इक्लिप्स की, कि राइटर कह रहे हैं कि देखो सोलर इक्लिप्स का जो होता है उसमें इंडिया में ये मान्यता है कि भाई अगर सोलर इक्लिप्स के अंदर अगर हमारे देश में अगर कहीं भी खाना वाना रखा हो फ्रीज वगैरह में या किसी बर्तन में ढक के तो खाना खराब हो जाता है, बट अगर वहीं हम अगर जो गाय का गोबर होता है अगर उसको फ्रीज वगैरह पे लगा दें तो सोलर इक्लिप्स का प्रभाव वो नल हो जाता है। तो आपको खुद को देख के लग रहा होगा कि किस तरीके की एम्बिग्यूटीज हमारे देश में है जो कि सही नहीं, मतलब हर चीज को फैक्चुअल हमें सोचना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं वो राइटर के द्वारा बताए गए। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इसके बाद में राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में एक कहा जा रहा है कि भाई इंडिया के कुछ लोगों का मानना है कि पुराने टाइम पे हमारे साइंस था, इंडिया की साइंस थी वो बहुत आगे थी। कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे भी जो विमान थे वो यूज किए जाते थे, उस टाइम पे भी जो ब्रह्मास्त्र था न्यूक्लियर वेपन की तरह था, ये था वो था। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो अच्छी बात है कि आपका उन चीज़ों में विश्वास है, कोई बात नहीं, हम आपके विश्वास को नहीं तोड़ रहे, बट अगर आप उस चीज़ को प्रूव करना चाहते हो कि हाँ भाई उस टाइम पे ऐसे ऐसे वेपन्स थे ये थे, तो आपको उस चीज़ के लिए एक तरीके से प्रूफ तो देना होगा ना कि हाँ भाई देखो ये प्रूफ है, कि ये देखो एक सबूत है आपके लिए कि हाँ भाई इस चीज़ पर हम मान सकते हैं कि वहाँ पे इस टाइम पे एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन था या वहाँ पे पुष्कर विमान वगैरह जो भी चीजें थी उन सारी जो के लिए हमें एक प्रूफ है वो देना होगा। तो मैंने यही इस आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स बताए गए जो कि ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए सारे इस आर्टिकल में, ये पॉइंट्स हैं। बाकी इसकी जो मेनली जो फोटो है इस आर्टिकल की वो मैं आपको वहाँ पे जो वेलकम यूपीएससी का पेज है या फिर नीचे जहाँ पे अपलोड करते हैं हमारे जो पीडीएफ होती है वहाँ पे इसके साथ आपको मिल जाएगा, तो आप इंग्लिश में भी उसको पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, अगले आर्टिकल है वो मेनली हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसमें देखते हैं क्या, तो हेल्थ केयर के रिलेटेड जो आर्टिकल है इसमें मेनली आयुष्मान भारत की बात आती है कि भाई आयुष्मान भारत गवर्नमेंट इस बार जो लेके आई है बजट में प्रावधान किए हैं कि भाई गरीबों को या जो भी हमारे देश में मेनली 10 करोड़ लोगों को इस स्कीम का फायदा उठाने की बात की गई है कि उसके तहत उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया जाएगा ताकि वो लोग आराम से अपना हेल्थ ट्रीटमेंट वगैरह वो करवा सकें। तो आर्टिकल के जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि देखो अभी गवर्नमेंट ये जो स्कीम लेके आई है इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस को गवर्नमेंट को पूरा करना होगा, तो वो काफ़ी गवर्नमेंट के लिए एक तो चुनौती भरे काम हो गए हैं। जैसे सबसे पहले कहा जा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट के पहले से एक स्कीम थी उसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बट राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी इस में 30,000 रुपये का ही एक्चुअली प्रावधान था, क्योंकि अभी जो आयुष्मान भारत की जो स्कीम आई है प्रोटेक्शन हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम इसमें क्या है कि 5 लाख तक का बीमा है, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या था 30,000 तक का ही बीमा था, तो उसमें 30,000 तक की फैसिलिटी ले सकते थे। अब राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, चलो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट 5 लाख तक के बीमा दे रही है, बट इसी के साथ जरूरत इस चीज़ की है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, और रूरल एरिया में क्या है कि हॉस्पिटल ही नहीं है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अब गाँव के लोगों का रूरल एरिया में ट्राइबल एरिया में अगर को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करवाना है और ये स्कीम है इसका फायदा हम उठा सकते हैं, तो क्या फायदा हुआ इस चीज़ का। शहरों में तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई बात नहीं है, शहरों के लोग इसका इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, बट गांव के लोगों का ट्रिब्यूनल जो ट्राइबल एरिया है उनका क्या होगा, उनकी तरफ तो गवर्नमेंट को कुछ फोकस करना होगा ना, कि रूरल एरिया में तो इनकी एक्सेस है वो है ही नहीं। इसके बाद में अगली बात आती है कि जो आउट पेशेंट जो केयर है उसको भी कवर करना होगा। अब आउट पेशेंट केयर का मतलब ये होता है कि देखो नॉर्मली जो हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस वगैरह होती है मेडिकल इंश्योरेंस वो क्या करते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ही आपको उसका दिया जाता है कि क्लेम दिया जाता है, जैसे आप उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको 24 आवर्स अगर आप हॉस्पिटल में कम से कम एडमिट हो उसके बाद ही आपको जो भी आपका जितना बिल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी कवरेज है वो मिलता है। बट कई बार क्या होता है कि पेशेंट की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि उसको ट्रीटमेंट तो जरूरत है बट उसे हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसे एडमिट कराने की जरूरत नहीं है, भर्ती कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिना भर्ती के उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत जरूरी है। उस कंडीशन में भी तो पेशेंट का खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे को अभी तक इस स्कीम में अकाउंट करने की बात नहीं है, कि जो कि काफी गलत है, क्योंकि खर्चा तो उस टाइम पे भी पेशेंट के लिए बढ़ ही रहा है ना जब एडमिट नहीं है, तो उस चीज को भी गवर्नमेंट को कवर करना चाहिए। इसके बाद में अगली बात आती है
कि जो गरीब लोग हैं उनका खर्चा अभी कम नहीं हो रहा है। गरीब लोगों के लिए समस्या वो ठसकी तसी है, मतलब गरीब लोगों को राहत नहीं मिल रही है। राहत गरीब लोगों को इसलिए नहीं मिल रही कि एक तो देखो उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरी ये बात है कि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि तो गरीब लोग हैं कि ऐसा तो है नहीं कि सभी हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तभी ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि देखो हॉस्पिटल में एडमिट होना तो एक लिमिट तक ही काम होता है। अब जैसे कि कोई आदमी ज़्यादा बीमार हुआ तो डॉक्टर उसको 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रख लेंगे, उसके बाद उसकी मेडिसिन तो कंटिन्यू रहेंगी ना, तो एक मेडिसिन अगर 1 महीने 2 महीने अगर कंटिन्यू रहती है तो उसका खर्चा कौन देगा? तो गरीब लोग उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो गरीबों की समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा। इसके बाद में बात आती है फंड की, कि तो फंड है वो इनफ नहीं है, तो ये तो देखो आप बेसिक सी बात जानते हो कि इंडिया में फंड का बहुत बड़ा इश्यू है वो रहता है, तो फंड की तरफ गवर्नमेंट को फोकस वो करना होगा। इसके बाद में बात आती है ये प्राइवेट हॉस्पिटल की, कि देखो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जैसे 30,000 से क्या कर दिया, 30,000 से 5 लाख कर दिया कि भाई अब जो हेल्थ कवरेज है वो 5 लाख तक का कर दिया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे कि चलो रेट बढ़ा देते हैं ताकि हमारा खर्चा है वो बैलेंस हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहली बात हो कि एक तो रेट वगैरह फिक्स करनी चाहिए कि भाई इस ट्रीटमेंट की इतनी रेट है, ताकि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी ना कर सकें। इसके बाद में बात आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी टेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा ये इस पेशेंट की तो हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्यों ना फालतू के 50-60 बिल बना दिया जाए और उसका पैसा हड़प लिया जाए। तो देखो ऑल ओवर जो बर्डन है वो तो सरकार के ऊपर ही जा रहा है। अब सरकार ये तो नहीं, सरकार भाई सैलरी कमा रही है, सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, सरकार वो पैसा कहाँ से कलेक्ट करती है? सरकार वो पैसा जनता से टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करती है, तो ऑल ओवर बर्डन तो जनता के ऊपर ही गया ना, तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही है। अगर वही पैसा अगर फालतू के टेस्ट नहीं करवाते तो सरकार के पास बचा रहता, सरकार के पास बचा रहता तो और लोग उस सुविधा का फायदा उठा सकते थे और लोगों को कम टैक्स पे करना होता, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इसके बाद में बात आती है कि रेगुलेशन की बहुत ज़रूरत है, कि रेगुलेशन प्रॉपर ढंग से नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है, बट उनको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है, ना ही उनको रेगुलेट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट को रेगुलेशन पे फोकस करना होगा। इसी के साथ बाद में बात आती है कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है हमारे इसका, उसमें रिफॉर्म करना होगा और जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उनको बढ़ाना होगा। क्योंकि देखो अगर प्राइमरी लेवल पर अगर ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे गाँव के अंदर छोटे छोटे समुदाय जो चिकित्सा केंद्र होते हैं वहीं पर अगर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर बड़े हॉस्पिटलों की जरूरत ही नहीं होगी। क्योंकि अगर बीमारी छोटी छोटी बीमारियों को छोटे लेवल पे अगर कंट्रोल किया जा रहा है तो बड़ी बीमारी होने से बचा जा सकता है। अगर हम स्टार्टिंग पे बीमारी पे फोकस नहीं करें तभी तो बड़ी बीमारी बनती है ना, तो हमें प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करना होगा तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। लास्ट में राइटर फिर वो कह रहे हैं कि देखो रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है और इसके साथ मॉनिटरिंग भी सबसे इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है बट गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग करनी होगी और रेगुलेशन भी बढ़ाने होंगे तभी इस स्कीम का फायदा वो मिल सकता है। अदरवाइज पहले भी स्कीम आई है गई है वही सारी प्रक्रिया वो चली रहेगी। तो ये थी कंप्लीट डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्या क्या है, क्या क्या विवाद था। देखो तो आपको ईयर वगैरह तो सब याद नहीं रखनी है, बस आपको थोड़ा एक फ्रेमवर्क याद होना चाहिए कि भाई विवाद हो काफ़ी पुराना है, क्या समस्या है दोनों स्टेट के बीच में, और मैपिंग है वो एक बार हमने देख लिए। मैप जरूर इंपॉर्टेंट हो गया है, देखो हम मैप है वो एक बार फिर रिवाइज करेंगे जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैपिंग हमने एक बार कंप्लीट भी की है बट एक प्रीलिम्स से पहले हम सारा काम है वो रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद में हमने डिस्कस किया अगला वो क्या, साइंस के बारे में जो आर्टिकल आया था जो कि मेरे लिए एसे से रिलेटेड था, उसमें ये कहा गया था कि भाई देखो फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव किया जाता है, क्योंकि जब प्रूफ होता है तभी उस चीज़ का वेटेज है वो रहता है। इसके बाद में बात आई हेल्थ केयर की, हमारे देश की हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी कुछ कमी है, तो भी उसके उन चैलेंजेस को पूरा करना होगा, तो उन कमियों की तरफ राइटर ने इशारा है वो किया था, तो वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आयुष्मान भारत की जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है वो सारे पॉइंट्स थे। तो फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।